आगे बढ़ता है कि केवल अत्यंत बुद्धिमान ही इसे देख पाता है। जिस तरह दीपक की लो धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, जिस तरह गतिमान धारा ये नदी के भीतर बहती है, अथवा जिस तरह वृक्ष में फल धीरे धीरे पक जाता है, उसी तरह भौतिक शरीर अपरिहार्य मृत्यु के निकट पहुंचता रहता है। अतएव अपरिहार्य क्षणभंगुर शरीर और नित्य अपरिवर्तनशील आत्मा में भ्रम नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। ओम ज्ञान तमरंदस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंचकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Lord Krishna is continuing his analysis of the difference between the body and the soul and the state of the conditioned soul in this material world. तो भगवान कृष्ण जारी रख रहे हैं अपनी बातचीत शरीर और आत्मा के अंतर के बीच में और बद्ध जीव की क्या स्थिति होती है इस भौतिक जगत में उसके बारे में। So Lord Krishna gives the example that how the living entity forgets his previous lives and he's only thinking that we just have one life. तो भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो जीव है वो अपने पुराने जन्म के बारे में भूल जाता है और उसको लगता है कि उसकी उसका एक ही जन्म है। Conditioned life, we identify with the material body and we think according to the body's condition, we identify in that way. तो बद्ध जीवन मतलब हम अपने आप को परिचय करते हैं ये शरीर से और अपने आप को शरीर समझते हैं, ये इस प्रकार की हम पहचान रखते हैं। Right. The body gets old, we think I'm an old man. तो शरीर बूढ़ा होता है और हमको लगने लगता है मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ। And when we're young, we're thinking I'm a young person. और जब शरीर जवान होता है तो हमको लगता है मैं एक जवान व्यक्ति हूँ। And we have no remembrance of our previous life. और हमको हमारे पिछले जन्म की कुछ याददाश्त नहीं रहती है। Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna was describing the history of the Gita, how he spoke the knowledge to the sun god Vibhishan. जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्णा भगवत गीता के इतिहास के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। And then Arjuna was surprised. He said, "Oh Krishna, how is it possible you could speak this knowledge to the sun god? He's so much senior in age to you and I, how is it possible you could ever have spoken to him?" तो कृष्णा जब ये कहते हैं तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णा सूर्यदेव तो हम दोनों से उम्र में इतने बड़े हैं, ये कैसे संभव है आपने उनको ये सब कहा? And Lord Krishna tells Arjuna, many many births both you and I have had, O Arjuna. I remember them, you do not. फिर कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, तुमको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। Of course, sometimes it happens, young children remember their previous life. बेशक कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे अपने पहले का जन्म याद रखते हैं। There's been a lot of research done on that. The young children remember about their previous life and they can give perfect details, perfect information of a previous life. तो इस विषय में बहुत खोज की गई है और ऐसा पता हुआ है कि कभी कभी छोटे बच्चे अपने पहले के जन्म के बारे में बिल्कुल विशेष बातें बता सकते हैं बिल्कुल बराबर से। But then as they grow, then the memories fade and they start to focus more on this life and they forget the previous life. लेकिन जैसे वो बड़े होने लगते हैं फिर पहले जन्म की याददाश्त कम होने लगती है और वो इस जन्म पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं।
So this ignorance, this covering for this forgetfulness of our previous life, it allows us to focus more on this life and to try to enjoy this life. तो ये इस प्रकार की हमारी याददाश्त जो हम भूल जाते हैं पहले जन्म के बारे में, ये हमें सहायता करती है इस जन्म पे ज्यादा ध्यान देने के लिए, इस जन्म में भोग करने के लिए. And the purport talks about this jati smara, that you can remember your previous life. Sometimes some people have that memory of their previous life, but it's not common, it's an exception. तो तात्पर्य में लिखा गया है जति स्मरा के, कोई कोई व्यक्ति को पिछले जन्म की याददाश्त रहती है, ये सामान्य नहीं है. कोई कई कम व्यक्ति ही होते हैं जिनको इस प्रकार से पहले जन्म याद रहता है. So Lord Krishna is giving an example. He to Uddhava, he's saying just like a person may dream, but he doesn't remember his previous dreams. तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं भगवान के, जिस प्रकार से कभी कभी एक व्यक्ति सपना देखता है लेकिन उसको पुराने सपने याद नहीं रहते हैं. Yeah, like when we're dreaming, we're absorbed in that dream. We're not thinking, oh, I had many other dreams. All the other dreams are all forgotten, and you're just simply absorbed in that one dream, the present dream. Maybe a day dream, maybe a night dream. तो जैसे हम सपना देख रहे होते हैं तो हमारा मन उस सपने में पूरी तरह लगा होता है. उस समय हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे इसके पहले मुझे और दूसरे सपने आए थे. नहीं, हमारा मन उसी सपने में लगा होता है जिसमें हम होते हैं, चाहे वो दिन में देखा जा रहा हो सपना हो या रात में देखा जा रहा सपना. So in the same way, we're thinking about this body, we're thinking that I have just come into being, I just took birth, that this is my life, that we have no knowledge of previous births. तो उसी प्रकार से हम जब ये जन्म लेते हैं तो हम सोचते हैं मैं ये हूँ, यही जन्म मैं हूँ, यही मेरा जीवन है, और हमें पहले के जन्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता. You think, I didn't exist before my birth. तो हमें लगता है ये जन्म के पहले मैं जीवित ही नहीं था. We do not understand. We have no experience of the soul. हम नहीं समझ पाते, हमें आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं होता. So everything is forgotten. This is the arrangement of the Lord, that the material energy so powerful takes away all the memories of our past life. तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. ये भौतिक शक्ति के कारण है, ये भगवान की भौतिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हमारे पहले जन्म की सब यादें भुला देती है. And then Lord Krishna continues, he talks about how in that condition the mind begins to identify with the body and will consider the body in different ways as being high class or low class or middle class. फिर आगे भगवान कहते हैं कि किस प्रकार जो मन है वो अपने को समझने लगता है ये शरीर, और शरीर से अपनी पहचान बनाता है. कभी कभी उसको लगता है कि मेरा शरीर उच्च कोटि का है, कभी कभी लगता है मैं शरीर हूँ और ये निम्न कोटि का शरीर हूँ. Lord Krishna gives an example about a man may have a bad son. भगवान कृष्णा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति को एक बुरा बेटा हो सकता है. And because the son does something wrong, the son gets in trouble, the father, he also has to get involved trying to defend his son. तो अगर वो बेटा कुछ गलत कर ले, कोई समस्या में फंस जाए, तो पिता भी उस समस्या में फंस जाता है बच्चे को बचाने के लिए. So in the same way, the spirit soul gets involved with the material body. उसी प्रकार से जीव भी भाग लेने लगता है भौतिक शरीर के कार्य में. And when the material body experiences some pleasure or some pain,
the soul identifies with it. और जब भौतिक शरीर को अनुभव होता है कोई खुशी का या कोई दर्द का, तो आत्मा भी अपनी पहचान उस खुशी और दर्द से करने लगता है. Actually, the nature of the soul is eternal, full of bliss and knowledge, is Satchidananda. But because of the material body, the soul begins to identify with the body and think how to help the body. वास्तव में तो आत्मा सत है, पूरे ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है, वो सच्चिदानंद है. परंतु इस शारीरिक पहचान के कारण से वो शरीर, वो अपनी पहचान करने लगता है शरीर से और शारीरिक चीजों से. Actually, the soul is always transcendental, but he identifies with the material situation of the body. वास्तव में तो आत्मा हमेशा दिव्य है, शरीर के परे है, लेकिन ये गलत पहचान के कारण वो अपने आप की पहचान ये शरीर से करने लगता है और शारीरिक स्थितियों से करने लगता है. Because the mind has created this identification with the body. क्योंकि मन ने ये पहचान बना दी है आत्मा की शरीर के साथ. So that mind gives all the problems. All the problems come around from the uncontrolled mind. तो इसलिए सारी समस्याएं वो मन देता है और सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो मन को हम नियंत्रित नहीं करते हैं उस प्रकार के मन से. The nature of the mind is that we always think, we always see different physical conditions. We'll see something as being good, something as being bad, something we like, something we don't like. The dualities of life are there. That's it. The mind perceives these dualities. और मन का हमेशा कारण है, वो इस प्रकार से भौतिक तरीके से सोचता है. वो सोचता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है. इसको हम कहते हैं द्वंद. तो मन हमेशा हमें इस भौतिक द्वंद में रखता है. Actually, it's all Manodharma, what we call Manodharma, the business of the mind, accepting and rejecting. तो वास्तव में ये सब मनोधर्म है, हम जिसे कहते हैं मनोधर्म. ये मन का धर्म है कि कुछ चीज को स्वीकारना और कुछ चीज को नकारना. And what the mind is seeing is just simply illusion. It's not actually reality. It's just creations of the mind. और वास्तव में जो मन देख रहा है वो सब भ्रम है, वो सब हकीकत नहीं है, वो बस मन की बनाई गई कल्पनाएं हैं. And in this way the soul becomes involved with the material body. और इस प्रकार से जीव पहचान करने लगता है भौतिक शरीर के साथ. Just like the father has to take care of the son when the son gets in trouble. जिस प्रकार से पिता को पुत्र की देखभाल करनी पड़ती है जब पुत्र कोई समस्या में फंस जाए. The son may have some enemies, and then because they're the enemies of the son, they become the enemy of the whole the boy's whole family. जैसे कि वो पुत्र को कोई शत्रु हो सकते हैं, तो क्योंकि वो पुत्र के शत्रु हैं, वो पूरे परिवार के शत्रु बन जाते हैं. So in the same way that the bad son brings trouble on the whole family. तो उसी प्रकार से एक बुरा पुत्र पूरे परिवार के लिए समस्या ले आता है. In the same way that the mind identifying with different conditions of the material body, it creates trouble for the soul. तो उसी प्रकार से मन जो पहचान करता है अपनी भौतिक शरीर से, वो आत्मा के लिए समस्या पैदा कर देता है. Because the soul is living in the body, so he has to be concerned with the bodily condition. क्योंकि आत्मा शरीर में रह रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको भी सोचना पड़ता है शारीरिक स्थितियों के बारे में. For the soul, there's no birth, there's no death, but the body is going through these things. आत्मा के लिए जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, शरीर जन्म और मृत्यु से गुजर रहा है. So the soul identifies with these things due to the mind. तो आत्मा इन चीजों से परिचय कर बैठता है मन के कारण. So Lord Krishna continues speaking to Uddhava and he's telling him
that by the force of time there is constant creation and destruction. तो भगवान कृष्णा उद्धव से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं समय के प्रभाव के कारण कुछ चीज बनती है और फिर नाश होता है. But because of the nature of time, no one is able to see the changes which are going on. परंतु समय के प्रभाव के कारण कोई देख नहीं पाता है जो बदलाव हो रहे हैं. Yeah, there's constant destruction. At every moment, the things are being created and destroyed. तो निरंतर रूप से नाश हो रही हैं चीजें. हर क्षण चीजें बन रही हैं और उनका नाश हो रहा है. But time is so subtle, we do not see it moving. We do not see the changes. परंतु समय इतना सूक्ष्म है कि हम उसे चलता हुआ नहीं देख पाते. हम ये बदलावों को नहीं देख पाते. Then Krishna gives some examples about these changes which are taking place. He compares them to he gives three different examples. फिर कृष्ण कुछ उदाहरण देते हैं ये जो बदलाव हो रहे हैं उनके विषय में. कृष्ण तीन उदाहरण देते हैं. It says, first of all, like the flame of a candle. तो पहला उदाहरण है मोमबत्ती की में जो अग्नि जल रही है. The flame of the candle at one point it's very bright, but then sometimes it will in course gradually become weak. The candle burns out and the flame will be weaker. तो मोमबत्ती में जो अग्नि है एक समय होता है वो बहुत तेज होती है फिर जैसे समय बीतता जाएगा वो कमजोर होती जाती है. When we light a candle, the flame, if there's a breeze, the candle will flicker. तो जब हम दिया जलाएंगे अगर वहां पर हवा चल रही है तो धीरे धीरे जो अग्नि है उस दिए की वो कमजोर होती दिखेगी. Sometimes it will be bright, other times it will be weak. कभी वो दिए की अग्नि बिल्कुल रोशनी होगी उसमें और कोई कोई समय बिल्कुल कमजोर होगी. And gradually the candle will burn out. और धीरे धीरे वो बत्ती बुझ जाएगी. And then the second example is about the current of a river. और दूसरा उदाहरण है जो एक नदी है उसका बहाव. So in the river, sometimes the river will create different patterns and different shapes due to the flowing river. तो कभी कभी बहती हुई नदी जो है वो विभिन्न प्रकार के आकार लेती है. And so you can see in the river, like a flowing river, heavy like the Ganga flows very fast, strong current. You can see how the river flows. Sometimes it will rise and sometimes fall. तो जैसे गंगा नदी बहुत तेज बहाव से बहती है तो हम देख पाएंगे कभी कभी जो पानी है नदी में वो ऊंचा हो रहा है और कभी कभी कम हो रहा है. And then the third example is about fruits of a tree. और तीसरा उदाहरण है पेड़ में जो फल है. The tree produces fruits. They begin to grow and gradually they get bigger and then they ripen. And they get very sweet, and then gradually they rot. They're rotten and they die. तो फल पहले उनका निर्माण होता है पेड़ में, फिर वो बढ़ने लगते हैं, वो मीठे हो जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो सड़ने लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं. So the same is true with our physical body. We go through these different changes. तो यही सत्य है हमारे इस भौतिक शरीर के साथ. हमारा भौतिक शरीर भी ये बदलावों से गुजरता है. The body begins to grow and gradually it gets stronger and stronger and then a certain point begins to diminish, gets weaker and weaker. तो शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ते रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद और कमजोर कमजोर होते जाएगा. So the body is going through all these different changes. Our knowledge that once the body is changing, our knowledge can increase.
तो शरीर इस प्रकार के बदलावों से गुजरता रहता है। तो शरीर जब ये बदलाव से गुजर रहा है तो उस समय हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। We may become aware of the nature of the body and the physical condition. तो हम इस बात से ज्ञात हो सकते हैं कि शरीर की का क्या स्वभाव है और शारीरिक स्थिति क्या है। So we take birth in the material world, we accept a body, and then gradually we come closer and closer to death. तो इस भौतिक जगत में हम आते हैं, एक शरीर स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे हम मृत्यु के करीब आते रहते हैं। So it's connected. Our birth is connected to time. तो यहाँ पर हमारा शरीर जो है वो जुड़ा हुआ है समय के साथ। And by the influence of time, the body is taking birth, and in the course of time, it's also dying. तो समय के प्रभाव के कारण शरीर पैदा होता है और समय के प्रभाव के कारण कुछ समय बाद शरीर मरता है। कृष्ण says in the Bhagavad Gita, jatashahi dhruvam mrityu dhruvam janma mrityashcha. For one who has taken birth, death is certain. कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु आवश्यक है। We say it's as sure as death. So death is sure that because of the nature of the material world, there's going to be death. As just as there's birth, with birth there comes also death. तो अंग्रेजी में कहावत है, मृत्यु जितना आवश्यक। तो हम देखते हैं मृत्यु अवश्य होती है और जहां पर जन्म होता है वहां अवश्य मृत्यु होगी। But only intelligent people are actually able to see how these things are happening. परंतु केवल बुद्धिमान व्यक्ति देख सकते हैं ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। So we should always be careful not to confuse the body with the soul. तो हमें हमेशा सावधान रहना है कि हम शरीर को आत्मा को शरीर न समझ बैठें और ये भ्रम में नहीं रहें। We should understand the difference between the body, that the body is temporary, but the soul is eternal. हमें दोनों में फर्क समझना है। तो जो शरीर है वो अस्थाई है परंतु आत्मा हमेशा के लिए है। Of course. Lord Krishna has already explained these things to Arjuna in the Bhagavad Gita. Now he's explaining it again to Uddhava here in this Uddhava Gita. तो बेशक कृष्ण ने ये सब चीजें अर्जुन को समझाई हैं भगवत गीता में और अब यहाँ उद्धव को समझा रहे हैं उद्धव गीता में। Srila Prabhupada constantly preached also to us the difference between the body and the soul, and to understand the temporary nature of the body and the eternal nature of the soul. Srila Prabhupada ji bhi humse prachar kiya karte the hamesha nirantar roop se atma aur sharir ke farak ke bare mein aur ye samajhna ki sharir kis tarah samapt ho jata hai parantu atma shashwat rehti hai. Sometimes he would quote Bhagavad Gita, sometimes he would quote even Christian philosophers. कभी कभी शिला प्रभुपाद जी टिप्पणी दिया करते थे भगवत गीता से और कभी कभी जो क्रिश्चियन धर्म के तत्ववादी हैं उनका भी वो टिप्पणी दिया करते थे। There's a statement in the Christian tradition that what does a man profit if he gain the whole world but lose his eternal soul? तो क्रिश्चियन समाज में एक कहावत है कि एक व्यक्ति को क्या फायदा होता है कि भले ही वो पूरा पूरी दुनिया क्यों नहीं पाले लेकिन अगर अपनी आत्मा खो बैठे। So in this way, Srila Prabhupada was encouraging us to not to neglect the need of the soul, which is to bring the soul to connect to Krishna. तो शिला प्रभुपाद जी हमसे बार बार कहते थे
कि आत्मा की जो आवश्यकता है उसको हम न भूलें, और आत्मा की क्या आवश्यकता है, आत्मा का वापस संपर्क करना कृष्ण के साथ, परमात्मा के साथ। As Krishna said in the Bhagavad Gita, mamivam sajiva loke jiva bhuta sanatana manashastani indriyani prakriti stani karshati. That the living entities are all my eternal parts and parcels, but due to conditioned life, they're struggling very hard with the senses, including the mind. जैसे कृष्ण भगवत गीता में श्लोक कहते हैं, ममैवांसे जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्चष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, के जीव मेरा अंश है, कृष्ण कहते हैं सनातन है, परंतु इस भौतिक जगत में वो संघर्ष कर रहा है। किससे संघर्ष कर रहा है? मन और इंद्रियों के साथ हमेशा संघर्ष करता रहता है। Lord Krishna had already explained earlier in the Bhagavad Gita how we're trying to exploit the resources of the material energy for our own enjoyment. भगवान कृष्ण पहले ही भगवद गीता में समझा चुके हैं कि कैसे हम जो ये भौतिक तत्व हैं इनको हम उपयोग कर रहे हैं अपने भोग के लिए। जीव भूत महाबाहो यही दम दर्यते जगत। That we are thinking this world is just there for our enjoyment. We've forgotten that it's Krishna's energy. जीव भूत महाबाहो यही दम धार्यते जगत। कि किस प्रकार हम सोचते हैं कि ये दुनिया है हमारे भोग के लिए, परंतु वास्तव में ये कृष्ण के भोग के लिए है। The soul is eternal, but in conditioned life, we're trying to make the body eternal. We want the body to live forever. That can never happen. आत्मा शाश्वत है, परंतु बद्ध जीवन में हम शरीर को शाश्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी संभव नहीं है, वो कभी नहीं होगा। And we see death coming closer every moment as the time passes, and we're coming closer and closer to death, changing again to another body. तो हम देखते हैं, हम इस प्रकार मृत्यु के निकट आते रहते हैं। जैसे समय बीतता जा रहा है, हम मृत्यु के निकट आते रहते हैं, शरीर को बदलने के निकट आते रहते हैं। But we easily forget these things and we focus on the temporary, trying to enjoy it, make the temporary something eternal. परंतु हम आसानी से इन चीजों को भूल जाते हैं और फिर हमारा ध्यान और रुचि रख जाते हैं अस्थाई चीजों में, और अस्थाई चीजों को भोगने में और उनको शाश्वत बनाने में। So that temporary thing can never become eternal. That temporary material body, you cannot expect it's going to be eternal. तो वो अस्थाई चीज कभी भी वो शाश्वत नहीं हो सकती। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अस्थाई शरीर शाश्वत हो जाएगा। But that, the soul, that is it. The soul is eternal. We want to take care of the soul. We want to bring the soul to connect with Krishna. परंतु आत्मा शाश्वत है, वो शाश्वत है। हमको आत्मा को ले आना है और उसका संपर्क कराना है कृष्ण के साथ। We have to engage in devotional service. But to engage in devotional service, we have to be qualified. We have to get free of our sinful reactions. तो हमें भक्ति में कार्यों में लगना है, भक्ति में कार्य में जुड़ना है। परंतु भक्ति में कार्य में जुड़ने के लिए हमें योग्य होना पड़ेगा, हमें हमारे किए गए पापों से मुक्त होना पड़ेगा। In the Bhagavad Gita, Krishna describes the qualification for taking up devotional service with determination. भगवत गीता में कृष्ण योग्यता बताते हैं जो हमें चाहिए भक्ति को दृढ़ता से स्वीकारने के लिए। येषां त्वन्तगतं पापं जननं पुण्यकर्मणा ते दन्वनो मोहनिर्मुक्ता भजन्ति मम दृढाव्रता। The persons who have acted piously in previous lives and in this life
and who are free from their sinful reactions. Then they engage themselves in my devotional service with determination. तो येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजते मां दृढ़व्रतः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप काम कर्म से छोड़ चुके हैं, जो पाप काम के फलों से मुक्त हो चुके हैं, उस प्रकार के व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। We get free of the sinful reactions by serving the devotees. हम हमारे किए गए पाप कर्मों से मुक्त होते हैं भक्तों की सेवा करके। By serving the devotees, we get the opportunity to get to open the doors to liberation and to begin our spiritual journey. भक्तों की सेवा करके हम मुक्ति की ओर जो द्वार है उसको खोल सकते हैं और भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं। Devotees sometimes wonder they think, did I become a devotee because of my pious activities? Because it said you have to have acted piously in previous lives. So they ask, does it mean that I was pious, that now I'm a devotee, I must have been pious in the past? तो कभी कभी भक्त कहते हैं कि क्या हम अपने पहले जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, क्योंकि कहा गया है पुण्य कार्य करके ही भक्ति कर सकते हैं। तो कभी कभी भक्त सोचते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि क्या मैंने वाकई में पहले जन्म में ऐसे पुण्य कार्य किए हैं जिसके लिए अभी भक्ति कर रहा हूँ। So Prabhupada said, I am creating your pious activity. तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हारे पुण्य कार्यों को पैदा कर रहा हूं। By serving the devotees, the mahatmas like Prabhupada, then it opens the doors to liberation. तो प्रभुपाद जैसे महात्माओं की सेवा करके वो मुक्ति के द्वार खोलते हैं। And Srimad Bhagavatam also describes the Sushrusrosha Dadanashya Vasudev Kitaruchi Shan Mahatsevaya Vipra Punyatirtana Sevanat. By serving the devotees who are free of sin, in other words, by serving the great souls, by serving Prabhupada, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. तो श्रीमद् भागवतम में भी ये श्लोक आता है, शुशुशु श्रद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि, कि इस प्रकार के जो महात्मा हैं जैसे शिला प्रभुपाद, उनकी सेवा करके एक व्यक्ति रुचि पा सकता है भगवान के उपदेश को सुनने में। सो बाय सर्विंग द कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी देन वी आर डूइंग सर्विस टू प्रभुपाद। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सेवा करके हम शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। And by serving Srila Prabhupada, we get some taste for hearing the message of Srimad Bhagavatam. और शिला प्रभुपाद जी की सेवा करके हमें कुछ रुचि होगी श्रीमद् भागवतम का उपदेश सुनने की। And that gives us a chance to develop our Krishna consciousness. और ये हमें एक अवसर मौका प्रदान करता है हमारा कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए। ओके, वी स्टॉप। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कोई प्रश्न है। प्रभु चैट में कोई क्वेश्चन आया, राइट? यस यस प्रभु, पवन प्रभु का प्रश्न। ओके, वो फोन मेरे से थोड़ा दूर है, आप एक मिनट, मैं उठा के थोड़ा पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर योर इल्यूमिनेटिंग डिस्कोर्स। आई हैव अ फ्यू इंक्वायरीज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द विजडम शेयर्ड टुडे। व्हाई डू वी फाइंड आवरसेल्व्स प्री ऑक्यूपाइड विथ कंसर्न्स अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ, फ्रीक्वेंटली टर्निंग टू एस्ट्रोलॉजी while paying little attention to our past life? Is our future also meticulously predestined in every aspect?
सेकंड क्वेश्चन, ओ प्रभु का पांच प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन, डू मेमोरीज रिसाइड इन द माइंड और द इंटेलेक्ट? आई थिंक वील गो वन बाय वन बिकॉज यस फाइव क्वेश्चन पांच। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई रेड लाइक वाई डू वी फाइंड आर सेल्स प्री ऑक्यूपाइड विथ मोर कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर लाइफ रिफरिंग फ्रीक्वेंटली टर्निंग टू एस्ट्रोलॉजी वाइल पेइंग लिटिल अटेंशन टू आर पास्ट लाइफ? इज आर फ्यूचर ऑल्सो मेटिकुलसली प्री डेस्टिन्ड इन एवरी एस्पेक्ट? Well, is our future predestined? Yes, when you surrender to Krishna, then you're under the control of the material energy. So you have to accept that that the material energy is putting you in situations which are predestined. तो हाँ, आपका भविष्य पहले ही तय है, तो अगर आप कृष्णा का शरण लिए हैं तो भी आपका भविष्य तय है, और वरना भौतिक शक्ति आपका भविष्य तय रखी हुई है पहले से ही, और वो आपको विभिन्न विभिन्न स्थितियों में डालती रहती है। अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एसोसिएशन विद द मटेरियल एनर्जी, यू एसोसिएट विद द मटेरियल एनर्जी डिफरेंट वेज, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, सो योर डेस्टिनी विल बी लाइक दैट अंडर द मटेरियल नेचर। तो भौतिक जीवन में आप जो तीन प्रकार के गुणों से संपर्क करते हैं, रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण, तो उस प्रकार से वो भौतिक शक्ति आपका भविष्य पहले ही तय करती है। So, we will say your happiness is predestined, just as your distress is predestined. तो हम कहेंगे आपकी खुशी, आपका दुख, आने वाला दुख पहले से ही उसको, वो भविष्य में आएगा, वो पहले से ही तय होता है, जिस प्रकार से आपकी आने वाली खुशी पहले से तय होती है। Nobody wants distress, but it comes anyway because it's predestined. कोई भी तकलीफ नहीं चाहता, परंतु वो आ ही जाती है क्योंकि पहले से तय है। In the same way, the happiness will also come. उसी प्रकार से सुख भी आ जाएगा। According to the destiny. आपके भविष्य के कारण। Not necessarily any particular situation, but the happiness and the distress तो, is predestined. इसका मतलब ये है कि कोई विशेष स्थिति या विशेष घटना नहीं, परंतु आपका खुशी और दुख वो पहले से ही तय है। Yeah. How the happiness comes and how the distress comes, that will vary. कैसे वो गम आएगा, कैसे वो खुशी आएगी, वो अलग अलग प्रकार से होगा। But the happiness and the distress is predestined. परंतु वो खुशी और वो जो दुख है वो पहले से ही तय है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डू मेमोरीज रिसाइड इन द माइंड और द इंटेलेक्ट? वाइल द इंटेलेक्ट इज एंडोड विथ द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज द माइंड दैट अपियर्स टू गवर्न डिसीशन मेकिंग। वेल, इट्स सपोज्ड टू बी इंटेलिजेंस व्हिच गवर्न्स डिसीजन मेकिंग। तो महाराज कह रहे हैं बुद्धि होनी चाहिए जो फैसला करे क्या करना है क्या नहीं। We're supposed to use our intelligence to consider what to do, what not to do. हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है ये फैसला करने के लिए कि क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं। Higher than the mind is intelligence. Intelligence is meant to help to give the direction to the mind. मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि को मन को आदेश देना चाहिए क्या काम करना है। So if you're not listening to your intelligence, that means you have an uncontrolled mind. तो अगर आप अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहे हो, बुद्धि से नहीं सुन रहे हो,
इसका मतलब है आपको एक अनियंत्रित मन है. You have to learn to discipline the mind. आपको सीखना है मन को कैसे शासन में लाना. So the memories in the mind or in the intelligence? Some memories may be in the mind, some memories may be in the intelligence. तो आपने पूछा यादें मन में है या बुद्धि में. तो कुछ यादें मन में हो सकती हैं, कुछ बुद्धि में. But the mind is very restless, chanchala hi mana Krishna. The intelligence is not so restless, it's the mind which is restless. परंतु मन चंचल है, चंचल ही मना कृष्णा. तो बुद्धि इतनी चंचल नहीं है, परंतु मन चंचल है. थर्ड क्वेश्चन. We are told that our descent into the material world is due to soul's impure desires. If the soul is intrinsically pure, how can it develop such impure desires? Furthermore, is there any guarantee that upon returning to Godhead, the soul will not again entertain impure desires? Well, we have to understand that the nature of the soul is the tattva shakti, that it's a marginal potency. So we understand that at any time we could return to the material world. तो हमें समझना होगा कि जो आत्मा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, कभी भी वापस भौतिक जगत आ सकती है. However, if one is situated in Krishna consciousness, then one will not be attracted to come back to the material world. लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना में स्थित है तो वो आकर्षित नहीं होगा वापस भौतिक जगत आने के लिए. We just simply have to be properly situated in Krishna consciousness, then you will never come back. हमको सही तरीके से स्थित होना है कृष्ण भावना में, फिर हम वापस नहीं आएंगे. But we do have the marginal nature. We are tattvasta. We have that tendency. Either we can be in the material or in the spiritual. परंतु हमको ये तटस्थ स्वभाव है, हम या भौतिक दुनिया में हो सकते हैं या आध्यात्मिक. फोर्थ क्वेश्चन. एंगेजिंग इन japa कैन बी क्वाइट arduous फॉर एन impure माइंड, येट द माइंड easily becomes absorbed इन सेंस gratification. When will the mind attain the same level of absorption in japa as it does in sense gratification? Well, japa can also be sense gratification. You can also get a lot of pleasure from chanting the holy name of Krishna. तो जपा भी एक अच्छी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है. आप बहुत आनंद अनुभव कर सकते हैं भगवान के नाम के जप में. So when you start to experience the taste for the holy name, when you start to get pleasure in chanting the holy name, then you have no more taste for sense gratification. तो जब आपको भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने लगती है, जब आपको आनंद मिलने लगता है भगवान के नाम लेने में, तो फिर आपका भौतिक सुख का इच्छा पूरी हो जाएगी. So you have to come to a higher level of chanting the holy name. तो आपको ऊंचे स्तर पे आना है भगवान के नाम लेने, आपको ऊंचे स्तर पे भगवान का नाम लेना है. When you get that, when you start to experience the taste for the chanting, when you get rid of the anarthas and you come to nishta and ruchi, then you will no longer come back to sense gratification. तो आपको ऊंचे स्थिति पे आना है भक्ति के. तो जब आप ऊंचे स्थिति पे आएंगे जैसे निष्ठा या रुचि, फिर आप वापस इंद्र तृप्ति की ओर नहीं आएंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन. हाउ कैन वन मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स?
Well, you have to be determined. You have to be very fixed in what you want to do, that you want to become Krishna conscious, and ups and downs are going to be there in the material world, because you're in the material world, there will be ups and downs. We have to be tolerant, just like we tolerate the winter and the summer. We have to tolerate happiness and distress, success and failure. We have to go on, do our service. तो आपको दृढ़ रहना है भक्ति में, आपको भक्ति हमेशा करने का निर्णय में रहना है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में तो ऊंच नीच चलती ही रहेगी, कभी चीजें ऊपर होंगी कभी नीचे होंगी, कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी, कभी सफलता होगी कभी असफलता होगी, लेकिन आपको भक्ति सेवा जारी रखनी है. You can't think there's not going to be any difficulties or any troubles. There will be. There will be ups and downs. But we have to go on. We shouldn't get so disturbed by these things. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर सब सही से चलता रहेगा. नहीं, जरूर यहाँ ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन इन चीजों से आपको विचलित नहीं होना है. So we have to become more tolerant, and we have to become fixed on fix our mind on Krishna, and not be so much disturbed by the material energy. तो हमको सहिष्णु होना है, हमें अपना मन केंद्रित रखना है कृष्ण के ऊपर, और हमें भौतिक शक्ति से इतना प्रभावित नहीं होना है. एक और भक्त को प्रश्न पूछना. इंद्रेश प्रभु का एक प्रश्न, इंद्रेश प्रभु आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा था कि जब आत्मा बॉडी को छोड़ता है तो 40,000 बिच्छू तो हमको डंक मारते है ना, उतनी वेदना होती है. ओके प्रभु, वो वेदना शरीर को होती है या आत्मा को होती है या कोई किसी दूसरे को, किसी किसी और चीज को हमारे साथ जो है उसको होती है प्रभु, उसकी थोड़ी जिज्ञासा. हरे कृष्णा प्रभु. क्योंकि आज उसी संदर्भ में बात होने इसके लिए प्रभु ये मुझे ठीक है. तो महाराज इज आस्किंग, वी हैव हर्ड दैट व्हेन वन लीव्स द बॉडी ही इज फीलिंग द पेन ऑफ 40,000 स्कॉर्पियोज बाइटिंग. सो इज दिस पेन फेल्ट बाय द सोल, इज इट फेल्ट बाय द बॉडी, और इज इट फेल्ट बाय समथिंग एल्स? वेल दैट पेन इज नॉट देयर नेसेसरली फॉर एवरीबॉडी. But in conditioned life, that pain would be there, because we identify in the material body. तो वो दर्द सबको नहीं होता है, विशेष करके जो भौतिक स्थिति में है, बद्ध जीवन में है, उनको वो दर्द होता है, उन लोगों को जो अपना परिचय भौतिक शरीर से करते हैं. So we have to learn to detach yourself from the pains and the pleasures of the material body. So हमें सीखना है अपने आप को भौतिक खुशी और आनंद जो है भौतिक शरीर से, उससे हम अपने आप को अलग करें. This example is given to encourage us not to focus on the body, but to get detached from this body. तो ये उदाहरण हमें दिया गया है ताकि हम अपने आप को शरीर से केंद्रित न करें, शरीर से अनासक्त करें. And the soul, as we are hearing, we give the example today, the soul and the body, what conditions of the body, how they influence the soul, just like a father has a son who is a bad son, brings trouble to the family. So the father, it's a problem for the father. तो जैसे हमने आज सुना कि आत्मा शारीरिक सुखों दुखों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार से एक पुत्र, गलत पुत्र हो, वो कुछ तकलीफ ले आता है घर में, तो वो पिता की भी तकलीफ बन जाती है. So the soul feels something,
feel some connection with the material body. The soul is living in the body. But the time of death, we're going to leave the body. We're going to give up that body. So we don't have to identify with the pain of the body. तो जो आत्मा होता है वो शरीर से अलग है और अपने आप को एक शरीर समझता है, इसलिए उसके दर्द अनुभव करता है. परंतु जब हम शरीर छोड़ रहे हैं, हमको अपने आप को ये शरीर नहीं समझना है, तो इस प्रकार के जो दुख दर्द आपने बोला उससे हमें अपना परिचय नहीं करना है, अपने आप को शरीर से अलग समझना है. Actually, there's no real pain in the body. The body is just like, is just matter, just like a dress. Just like your dress doesn't feel pain. So the body is not feeling pain, but the mind is feeling the pain. तो वास्तव में शरीर में कोई दर्द नहीं होता. शरीर आपके कपड़े की तरह है. आपके कपड़े को कभी दर्द नहीं होता तो शरीर को भी दर्द नहीं होता. दर्द मन में अनुभव हो रहा है. So we have to discipline the mind. Don't get so much caught up in what the mind is perceiving. तो हमको मन को शासन करना होगा कि मन तू जो सोच रहा है उसमें मैं इतना फंसूंगा नहीं. We have to learn just to neglect the mind. कभी कभी हमें सोचना है केवल मन को बिल्कुल अपने आप से परे रखना, उसके बारे में उसकी बातें सुनना ही नहीं. What the mind perceives, the mind is feeling pain, but we just ignore it. तो ये मन इस प्रकार की कल्पना ले आता है. मन दर्द अनुभव कर रहा है, हम उस मन की सोच को नकारते हैं. We want to give up the material body, go on to the spiritual world. हमें भौतिक शरीर छोड़ना है, आगे जाना है आध्यात्मिक जगत. ओके, ठीक है प्रभु. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच. किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो लास्ट कॉल. हरे कृष्णा. We had a question here. Prabhu has a question. Prabhu has a question. It's there. Yeah, yes, Prabhu. Yes. There is one more question. Yeah, Maharaj, today incorporation of ISKCON in New York. So would you like to say a few words about this, Maharaj? All right. So what, Prabhupada incorporated the society in New York on this day? Must have been 1966, maybe? So the purpose of ISKCON, there were 7 purposes of ISKCON. Fulfilling the, to different desires Prabhupada had in establishing the Krishna consciousness movement. He had 7 purposes covering a wide range of different activities. तो महाराज जी बता रहे हैं कि आज के दिन प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया. ये 1966 में होगा, 1966 की बात होगी. तो मुख्य करके प्रभुपाद जी ने 7 लक्ष्य दिए थे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूर्ति करेगा. एंड प्रभुपाद आस्क्ड डिफरेंट पीपल हु वर प्रेजेंट देयर विद हिम एट दैट टाइम टू बी द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. उस समय जो भक्त वहां पर उपस्थित थे, प्रभुपाद ने उन्हें कहा के समाज का भाग बने. And those people, of course, they were a little surprised. They could not understand the vision of Prabhupada and how Prabhupada had such a wide vision to distribute this message in so many ways to the whole world. तो उस समय जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे वो प्रभुपाद जी की बात को नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी के इतने 7 उपदेश थे और इतने वो एक आदेश देना चाहते थे विश्व के सारे लोगों को. They were sitting in a small storefront in New York, in the lower east side of New York, in one of the poorer areas of New York. And they were not showing, there was no signs of wealth or opulence of any kind.
So it was unimaginable how they could ever succeed such wide goals. तो उस समय सारे भक्त न्यूयॉर्क में दक्षिण पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क के एक बहुत ही गरीब भाग में एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए थे और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार उस समय कुछ ऐश्वर्य की धन की निशानी भी नहीं थी हमारे संघ में. वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार ऐसी स्थिति में भी प्रभुपाद ऐसे लक्ष्य बता रहे हैं कि पूरे विश्व भर में ये ज्ञान बांटेंगे. When Srila Prabhupada had some vision of the future, he had the desire and he laid this foundation for the Krishna consciousness movement. तो Srila Prabhupada ji को सही दृष्टांत था भविष्य का. उनकी इच्छा थी और उन्होंने ये नींव उस समय उत्पन्न की इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की. Of course, we have a long way to go to ever fulfill these missions. तो बेशक हमें बहुत लंबा रास्ता है आगे इन शिला प्रभुपाद जी के सात लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए. But we hope in the years to come, in the generations to come, that these things can gradually come about. पर हम उम्मीद करते हैं कि बीतते समय में और आने वाली पीढ़ियों में हम ये सारे लक्ष्य ये प्राप्त करेंगे. Srila Prabhupada gave the foundation and we are building up on the foundation. Srila Prabhupada ji ne neev dali, ab hum us neev pe upar banate ja rahe hain. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for the wonderful nectarian session as well as the wonderful question answer session. And we are eagerly waiting for more katha from your lotus mouth, Maharaj. Thank you so much. Please accept our humble obeisance. Panchakalpatarupischa kripa sindubhyo vacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhaktivinoda Vinashaka Narasimha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nanda Kishore Prabhu, thank you so much. Thank you. Hamara Muralidhar Prabhu ka ashram mein hai, Rasal Khema mein. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, sir. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Govind Prabhu. Kuch ghoshna hai to aap prasthan. Nothing, Prabhu. Aaj hui ISKCON Incorporation Day hai. Iske bare mein Maharaj ji ne achhi tarah se bataya. Nothing much. Hare Krishna. Jai Govind Prabhu. Thank you so much. To hum prayers ki aur aage jaate hain. Prayers mein param pujya Devakant Swami Maharaj ki ye aur परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के लिए हर ग्रेस रस सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु के लिए किस ग्रेस रस सिंधु